हेलो एवरीवन, शुभ ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स के लिए, और ये जितने भी एमसीक्यू आज मैं कराने चल रहा हूँ, ये सारे के सारे एमसीक्यू हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। क्वेश्चन नंबर वन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग्स इन द इकोनॉमी थ्रू आउट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को उल्लेखित रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर वन है फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर दो है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर थ्री है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ऑप्शन नंबर फोर है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर टू, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों है? क्योंकि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने को उल्लेखित रूप से प्रभावित करता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुख्यतः दो उपायों का उपयोग करती है। कौन कौन से वो दोनों उपाय हैं? पहला है परिणात्मक उपाय, जिस पे कंट्रोल करता है। दूसरा है गुणात्मक उपाय, जिसके माध्यम से भी वो कंट्रोलिंग करता है। तो राइट आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर टू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म। निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर वन है इंडिविजुअल एंड एसोसिएट बिहेव विथ इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग दियर प्रॉफिट्स विथ लीस्ट सेक्रीफाइसिंग और कॉस्ट। ऑप्शन नंबर टू है द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और दियर यूजर इन इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर थ्री है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय कंपीट अमंग देमसेल्व्स एज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड। और ऑप्शन नंबर फोर है प्राइस द इंडिविजुअल हैंड प्ले ए प्रीडोमिनेंट रोल इन द फ्लो ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। इसमें कहा गया है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के उपकरणों व पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। उत्पादन केवल निजी लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और एक और इसका बेनिफिट हो सकता है, विशेषता हो सकती है कि कीमत जो होती है वो अदृश्य शक्ति उत्पादन और उपभोग के कारकों के प्रवाह में प्रधान भूमिका अदा करती है। तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर दो होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991। निम्नलिखित में से 1991 के बाद औद्योगिक नीति परिवर्तनों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन, द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन इनोरमली एक्सपेंडेड। पहला है निजी क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत हुआ है। ऑप्शन नंबर दो है पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन विड्रॉन पार्सली और फुल्ली फ्रॉम सेवरल ऑफ द इंटरप्राइजेस बाय डिसइन्वेस्टमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश के द्वारा कई प्रकार के उद्यमों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हट रहा है। ऑप्शन नंबर थ्री है द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन। और ऑप्शन नंबर फोर है मोनोपोली आर डोमिनेंट पोजिशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हायर ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फोर होगा। ऑप्शन नंबर फोर क्यों है? बिकॉज 1991 के बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके परिवर्तनों की प्रमुख कुछ निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएं कौन कौन सी हैं? निजी क्षेत्र का विस्तार बड़े स्तर पर तीव्र व विस्तृत रूप से हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश के द्वारा कई प्रकार के उद्यमों से आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हट रहा है। और ऑप्शन नंबर थ्री है इसका, भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के
प्रति तेजी से अनावृत हुआ है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाने वाले पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित की जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सम्मिलित हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 की बातें हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है द नेम ऑफ कंपनी एंड स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, ऑप्शन नंबर 2 है द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ऑप्शन नंबर 3 है द रूल्स रेगुलेशन एंड बाई लॉ फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर 4 है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। इसका राइट आंसर जो आंसर होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 का, द रूल्स रेगुलेशन एंड बाई लॉ फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाने वाले पार्षद सीमा नियम में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनमें सबसे पहले है नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज, ये सब ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रूल्स और रेगुलेशन की बातें की गई हैं, इसलिए जो राइट आंसर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एज सर्टेन और रीजन वाले क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स ट्रेन टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज ए कंजक्शन ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ए शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड वाइस वर्सा। एज सर्टेन में कहा गया है जब आर्थिक विकास की उच्च दर और आयातों के सापेक्ष मूल में तीव्र गिरावट और विलोमता की अटकल हो तो आयतों की मात्रा में बहुत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, और इसका रीज़न दिया गया है हाई रेट ऑफ ग्रोथ सेटिस पेरिवेस इज एसोसिएटेड विथ राइज इन इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स, सेटिस पेरिवेस इज एसोसिएटेड विथ ए फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। दूसरी बात कही गई, जो रीज़न कहा गया है वो है विकास की जो उच्च दर है, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हो, तो आयातों यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें में वृद्धि के साथ जुड़ी होती हैं, आयातों के सापेक्ष मूल में गिरावट के साथ जुड़ी रहती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि उपभोक्तावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है कंज्यूमरिज्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिमेट राइट्स। उपभोक्तावाद व्यवसाय की उपभोक्ता के वैध अधिकार की गारंटी देने और उन्हें सुनिश्चित करने की विफलता का प्रकटीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोडक्शन एज इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एलोन। उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह व्यवसाय केवल संगठनों का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है द कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज ए मीन ऑफ एटेनिंग एंड एंजॉयिंग दियर राइट्स। उपभोक्ताओं को उपभोक्तावाद अपने अधिकारों की रक्षा करने और उनका आनंद उठाने के साधन के रूप में मानना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कंज्यूमरिज्म इवोल्यूशन इज नॉट ए सेटबैक फॉर मार्केटिंग बट रादर पॉइंट टू द नेक्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिशेट मार्केटिंग। मतलब है उपभोक्तावाद का विकास होना विपणन के लिए एक धक्का नहीं है बल्कि एक सजग विपणन के विकास में अगले चरण को इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोडक्शन एज इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उपभोक्तावाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन जो बी वाला है वो सही नहीं है क्योंकि
गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्या करती है, कंज्यूमरिज्म को कंट्रोल करती है पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग के संबंध में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। पहला है 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी है। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ऑप्शन नंबर सी है। 7 ईयर स्ट्रेटजी और ऑप्शन नंबर डी है। 15 ईयर विजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर वन, 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच। नीति आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 साल का कार्य एजेंडा, 7 वर्ष का मध्य अवधि राजनीति स्थापित तथा 15 वर्ष की दूरदर्शी सोच को शामिल किया गया है, जबकि पंचवर्षीय योजना के संबंध में दृष्टिकोण योजना आयोग का होता है। तो 5 ईयर प्लानिंग जो होती है इसको योजना आयोग के द्वारा इसको इस नीति को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एटसर्टेन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। व्यवसाय के स्वामित्व के व्यक्तिगत लेन देनों के बहियों में अभिलिखित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हम नहीं करते हैं और बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है, जिसकी वजह से पर्सनल ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। रीजनिंग, इसका रीजनिंग है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस इंटरप्राइजेस इज कंसिडर एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही कही गई, क्योंकि मालिक और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एज सर्टेन और रीजनिंग दोनों सेम बातें कह रहे हैं और दोनों एक दूसरे से करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी विथ रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री है, जिसमें 3 एक्टिविटी होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नकदी रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ऑप्शन नंबर टू है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिविडेंड पेड, और थर्ड है कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, और लास्ट ऑप्शन है सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अनुमानित लागत और मानक लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडीज वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिकी अध्ययनों पर आधारित होती हैं, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है स्टैंडर्ड कॉस्ट इम्प्रेसिस इज ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट इम्प्रेसिस इज ऑन व्हाट कॉस्ट शुड बी। मानक लागत के जोर कितनी लागत आएगी पर होता है, जबकि अनुमानित लागत का जोर कितनी लागत आनी है पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेट कॉस्ट। अनुमानित लागत की तुलना में मानक लागत को अधिक बार संशोधित किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है एस्टिमेट कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अनुमानित लागत मानक लागतों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग स्टडी व्हाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण और अभियांत्रिकी अध्ययनों पर आधारित होती हैं, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।